हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जो मसायल उम्मत मुस्लिमा के लिए दरपेश हैं वो कई किस्म के मसायल हैं और वक्तन फवक्तन कुछ मसाइल को उभारा जाता है और मुसलमानों को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। पहले तो हमें इस बात की ज़रूरत है और पूरी उम्मत को भी कि वो अपने दीन पर मजबूती का सबसे पहले सबूत दे। जब तक हम दीन पर मुकम्मल तौर पर कायम होते हुए इसका सबूत नहीं देंगे उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मैं मिसाल देता हूँ कि ये हिजाब का मसला जो इस वक्त ज़ेर बहस है एक जुज़वी तौर पर इस वक्त पेश आया है, यानी स्कूलों की हद तक, कॉलेजों की हद तक और वो भी यूनिफॉर्मिटी के मसले को सामने रखते हुए। लेकिन हम ये सोचें कि हमारी औरतें इसके अलावा जहां उनको कोई रुकावट नहीं है, रुकावट को क्या बल्कि हुक्म दिया जाता है और वो पूरे तौर पर पाबंदी के साथ बाहिजाब रह सकती है, वहाँ हमारी औरतों का क्या हाल है, वहाँ लोग कितना पर्दा कर रही है। एक मसला उठा हुआ है लेकिन इसके अलावा दीगर हालात पर और दीगर मौके पर सोचना चाहिए कि जहाँ कोई रुकावट इनको नहीं है वहाँ पर हमारी औरतों का क्या हाल है। शादी भी हमने क्या हाल रखा, जब शादी के मौके आते हैं तो वहां पर्दा उठा के बाकायदा रख दिया जाता है। अगर वहां कोई औरत बापर्दा आए तो जैसे आज वो लोग हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, हम में से कुछ खुद उनकी तरफ उंगलियां उठा ले रहे हैं। ये सूरत हाल है। ये सब क्या है, दरअसल अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह जांचना चाहते हैं कि मुसलमान कहाँ तक दीन पर है, ये जांचने के लिए। और जैसे हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब बार बार फरमाया करते हैं कि छटाई करो, यानी इसमें अल्लाह छांटना चाहते हैं, मुखलिसीन अलग हो जाए और मुफलिसीन अलग हो जाए, यानी दीन से मुफलिस जो नाम नाम के दीन पर है ऐसे लोग अलग हो जाए। इसलिए सब कुछ हालात पेश आ गए। जो लड़कियां इस वक्त में हिजाब को लेकर आगे बढ़ रही हैं उनके अंदर खुद वाकई शरई हिजाब कहाँ तक है। देखिए एक हिजाब तो दिखाने का है और एक है शरई हिजाब। अल्लाह का जो मुतालबा है वो तो शरई हिजाब का है। अल्लाह ने जो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो शरई हिजाब का मुतालबा है। लेकिन यहाँ पर जो हिजाब हिजाब की बात की जा रही है इसमें पेशकर वो है जो खुद बेहिजाबी के किसी न किसी जर में आ जाती है। इसलिए इस वक्त उम्मत को इस तरह मुतवज्जे करने की ज़रूरत है कि वो दीन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी दिखाएं, पाबंदी अपने अंदर इख्तियार करें तो दीगर हमारे मसाइल को हल करने में उन लोगों के पास ये नहीं होगा कि वो कह सके। जैसे अब कहा जा रहा है कि बहुत सारी औरतें नहीं करती। एक साहब ने जो पुलिस में थे तो ऐसी लिखी जो उनको मना करने के लिए काफी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है
उसने उनको नहीं लिया, आखिर उन्होंने उसे छोड़ भी दिया। वो कहते थे कि वो बार बार ये कहता था कि भाई ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, खुद उनके साथ में काम करने वाले लोग, ये तो दाढ़ी नहीं रखते, तुमको क्या आ गया है दाढ़ी रखने। अब उनके पास ये दलील मौजूद है कि देखो ये दाढ़ी नहीं रखते, ये दाढ़ी नहीं रखते, ये दाढ़ी नहीं रखते। एक आदमी ने दाढ़ी रख ली तो उनको इश्काल पैदा हुआ। इसी तरह बेशुमार बेहिजाब औरतें खुद हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, रोजाना बाजारों को जा रही हैं, गश्त कर रही हैं, बेपरदगी के साथ फिर रही हैं, घूम रही हैं, और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्कूल वाली कहें और खुद स्कूल की दूसरी लड़कियाँ कहें कि पर्दे की ज़रूरत नहीं है, तो इस सूरत के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी और वो लोग क्या असर इससे कबूल करेंगे। असल सोचने का मसला ये है, हम लोग अपने को नहीं बदलते, हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। हम बदल जाए तो हालात खुद बदलेंगे। हालात का बदलना अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदलना तो अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दिया है। और इसीलिए मुतालबा भी है कि तुम बदलो, और तुम बदल जाओगे तो मैं खुद हालात को बदल दूंगा। इसलिए इस वक्त में जहाँ तक मैंने गौर किया, मसाइल का हल इसमें है कि हम उम्मत को दीन पर लाने और ढालने की भरपूर कोशिश करें। यह तो ये है, असल काम तो ये है। बाकी ज़िमनी तौर पर कानूनी कार्रवाई, चारा जोई, जिसकी सूरतें मुख्तलिफ मौजूद हैं और चल रही हैं, वो अपनी जगह पर चलना चाहिए, उसमें कोई एतराज़ की बात भी नहीं है, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए। ज़ाहरी तदाबीर का इख्तियार करना मौजूदा हालात के अतबार से यह अपनी जगह पर जारी रहना चाहिए, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि यह हमारे मसाइल का आखिरी और कतई और यकीनी हल नहीं है। आखिरी यकीनी व कतई हल है तो इसमें है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इसलिए माशाल्लाह यहाँ तो हजरात उलमा मौजूद हैं, हजरात उलमा हर जगह पर इस काम को पूरी तनदही के साथ और मुजाहदे के साथ में करने लगे और उम्मत के अंदर तब्दीली लाने की भरपूर कोशिशों में लग जाए, तो यही काम उनका सबसे अहम तरीन काम है और इसी काम में उनको लगे रहना चाहिए। इस सिलसिले में किसी की कुछ राय है, मुजाकरा है, कर सकते हैं। जो बच्चियाँ स्कूल से रुकी हुई हैं जी, तो वो उनके लिए एक तरह से शक में गिरफ्तार है, एक तो वहाँ तो इजाज़त है नहीं, या तो वो तर्क तालीम करें या जो है वो उसी कैफियत उनका जो जाता है उसके साथ जाएँ, तो उसके लिए क्या हम लोग बता सकते हैं जी। बज़ाहिर हालात तो यही सवाल पैदा होगा कि अगर कानूनन उनको रोका जाता है तो वो जा नहीं सकती, अगर जाना हो तो उनको अपने पर्दे से बेपर्दा होना पड़ेगा। इस सूरत हाल में उम्मत को एक लंबे प्रोग्राम की तरफ आना चाहिए, ये तो वक्ती चीज़ है। उम्मत को एक लंबे प्रोग्राम की तरफ आना चाहिए, लंबा प्रोग्राम तय करना चाहिए, और वो लंबा प्रोग्राम ये है कि खुद मुसलमानों की स्कूलें हों, मुसलमानों की कॉलेज हों, और उसके अंदर अपने बच्चों की तालीम का बेहतरीन और भरपूर और जो है एक आला दर्जे का निज़ाम कायम हो, और हमारी बच्चियां और बच्चे सब वहां आके पढ़ने लगे। अगर ये प्रोग्राम उम्मत कबूल करके इसके सिलसिले में आगे बढ़ती है तो ये तो ठीक है कि अब फिलहाल मौजूदा हालात में तो एकदम अचानक तो नहीं होगा, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक लंबे प्रोग्राम को कबूल करना चाहिए, उसको लेना चाहिए कि उनके पास स्कूलें अपनी हों, कॉलेजेस अपनी हों, तब जाकर ये मसला हल हो सकता है। यहीं से मैंने कल भी अर्ज़ किया था बाद लोगों के सामने कि हमारे उलमा ने हर वक्त मदारिस को मदरसा बोर्ड या इस तरह की किसी और चीज़ के हवाले करने से इबा किया है, इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना अलग से संभालेंगे, हमें ना एड की ज़रूरत है ना तुम्हारे किसी सरपरस्ती की ज़रूरत है, हम अपने मदारिस आज़ादाना तौर पर चलाएँ।
इसके लिए किसी भी तरह का एड भी कबूल करने की गुंजाइश हमारे उलमा ने नहीं दी। इसके अंदर सबसे बड़ी जो मसलियत थी वो ये थी कि अगर एड कबूल किया जाता है और उनकी सरपरस्ती में कोई चीज़ कायम की जाती है तो कभी ना कभी कोई भी ऐसा कानून लागू किया जा सकता है जो हमारे दीन और ईमान के लिए ख़तरा बन सकता है, हमारी तालीम का के लिए ख़तरा बन सकता है, हमारे निज़ाम तालीम को जो है तहस नहस करने के लिए काफ़ी हो सकता है। इसके लिए हमारे अकाबिर हमेशा इससे इनकार करते हैं। हम गुरबत के साथ जैसा चाहे हम संभालेंगे, तुम्हारा गेट में नहीं चाहिए, तुम्हारी सरपरस्ती में नहीं चाहिए। इसी तौर पर स्कूल और कॉलेजेस उलमा को और इसी तरह हमारे अवाम दानिशमंद लोगों को और जो हमारे माशरे के अंदर मालदार लोग हैं उन लोगों को मिलकर ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस कायम करना चाहिए, आज़ादाना तौर पर कायम करना चाहिए ताकि वहाँ इस तरह की कोई बात पैदा नहीं। जहाँ पर हुकूमत का चलता है वहीं पर वो चला सकती है, जहाँ हुकूमत का नहीं चलता वहाँ नहीं चला सकती। लिहाजा ऐसे स्कूल कायम कर लिए जाएँ, कॉलेज कायम कर लिए जाएँ तो फिर वहाँ पर उनका अमल दखल नहीं हो सकता। ये एक लंबा प्रोग्राम है लेकिन उम्मत को करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि हजरात उलमा को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। हर इलाके में ऐसे लोगों को बुलाएं और बातचीत करें, उसमें कुछ मालदार लोग भी हों और तालीम याफ्ता लोग भी हों और वहाँ पर स्कूल अपने अपने इलाकों में कायम करने कर बड़े पैमाने पर शहर के पैमाने पर अच्छी कॉलेज कायम करने की फिक्र की जाए और मुख्तलिफ अंदाज के जो कॉलेजेस हैं उसको कायम करने की कोशिश की जाए, हमारे मसाइल इस तरह हल होंगे। अब तक इन जदीद तालीम याफ्ता लोगों का हाल ये है कि इन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर उनके हवाले कर दिया। इनके जहन में कभी ये नहीं आया कि भाई हमारे अलग इदारे होना चाहिए और हमें इसके सिलसिले में बड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब चंद सालों से वो भी उलमा के तवज्जो दिलाने से कुछ इदारे हमारे कायम हुए, स्कूल कायम हुए हैं, ये भी उलमा की बरकत है। उलमा के नज़रियात और उनके ख्यालात की अक्कासी है जो हमको नज़र आ रही है, वरना उससे पहले आप देखें कि हमारे पास कौन से स्कूल थे, कहीं स्कूल मुसलमानों के मौजूद थे इक्के दुक्के के अलावा। यह अब जो सिलसिला शुरू हुआ है ये हजरात उलमा की मेहनतों और उनकी तवज्जुहात का नतीजा है। इसी तरह आप हजरात और उलमा हर इलाके के इसके लिए तवज्जो करें और लोगों को इसके लिए आमादा करें और उनको बताएं कि भाई इसकी बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है तो ये मसला हल हो सकता है और आगे के हालात तो इससे भी ख़राब आने वाले हैं। यह तो जुज़्वी मसाइल को अभी उभारा जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि आइंदा बड़े और सख्त तरीन हालात आ सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आज से नहीं सोचेंगे तो फिर ऐन उस वक्त पर सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब अचानक ये मसला पेश आया तो अब हम कॉलेज खोल नहीं सकते अचानक, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो लिहाजा अभी से हम इसका प्रोग्राम बनाएं और उम्मत को इसकी तरफ मुतवज्जे करें तो तब जाकर ये मसाइल हल हो सकते हैं। ये एक ही मसला नहीं है, तो तालीम का मसला है, तालीम के मसलों के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, उन मसाइल के सिलसिले में भी गौर व फिक्र की ज़रूरत है, मशवरे की ज़रूरत है और इस मशवरे के अंदर दानिशवर तबके को भी आना चाहिए, उलमा के तबके को भी आना चाहिए और मालदार तबके को भी आना चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को भी आना चाहिए, तब जाकर इन मसाइल का हमारे पास हल, एक मुकम्मल हल और दायमी हल निकलने की उम्मीद है। बाकी ये अब जो पेश आया इसका तो हल कुछ नहीं है, अब ऐसी सूरत में उनको कुर्बानी देनी चाहिए। वो कहें कि हम तालीम से बेगाना तो रह सकते हैं लेकिन दीन से बेगाना हम नहीं रह सकते, ये उनकी कुर्बानी होनी चाहिए। और ऐसी जो तालिबात हैं इंशाल्लाह उनके लिए तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी अगर वाकई अल्लाह के लिए वो इस तरह की कुर्बानी देती है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नवरुल्लाह मरकदह ने कई साल पहले उनकी ज़िंदगी में जब मसला उठा था वंदे मातरम का और स्कूलों में उसे नाफिज करने की बात हो रही थी तो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नवरुल्लाह मरकदह ने ये ऐलान फरमाया था कि मैं अगर ये कानून वापस नहीं ले लिया जाता तो मैं तमाम उम्मत के लोगों से कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें।
उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोग अपने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। और उस वक्त उन्होंने एक तारीखी जुमला फरमाया, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जाहिल तो रह सकते हैं लेकिन काफिर नहीं रह सकते। हमारे बच्चे जाहिल तो रह सकते हैं, जाहिल से बुरा है दुनिया की जहालत है। दुनिया में आदमी माशाल्लाह बड़े जाहिल हैं, उन जाहिलों में ये भी रह जाएंगे। कितने सियासतदान हैं जो पढ़े लिखे हैं, गौर कर लीजिए सियासतदानों में कितने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे उनमें भी जाहिल मौजूद हैं। जब वहाँ जाहिल हो सकते हैं तो हमारे घर में भी एक जाहिल, कोई मुजाहिदा की बात नहीं है। इस्लाम में असल जाहिल तो वो होता है जो दीन से जाहिल होता है, कुरान से जाहिल होता है, हदीस से जाहिल होता है, मसाइल से जाहिल होता है। ये जहालत तो कोई जहालत की बात नहीं है। इसलिए जो है ये हमें तय कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा बन जाता है कानून के बगैर उसके कोई चारेकार नहीं है तो हमारी बच्चियां कहें कि हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, हम जाहिल रह जाएंगे, कोई मुजाहिदे की बात नहीं है, लेकिन हम बेईमानी की तरफ नहीं जाएंगे, दीन से बेगाना हम नहीं होगी। इसके लिए उनको तैयार करने की जरूरत है। तालिबात वगैरह को तैयार करने के लिए जुमा के बयानों में या किसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह करना चाहिए, क्या नियत है? दोनों दोनों शक्लें बेहतर हैं। ये तो देखिए माँ बाप को भी तैयार करने की ज़रूरत है। इसलिए बाद जगह बच्चियाँ तैयार हो जाती है, माँ बाप तैयार नहीं होते। माँ बाप कहते हैं नहीं जी, बेटी को समझाते हो अगर ये तेरा मौका चला गया, कामयाबी नहीं हुई तो फिर मसाइल हैं, इतने भूखे बेकार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह बच्चियों को समझाकर उनको बेपर्दा बनाने की कोशिश माँ बाप तक कर देते हैं। इसलिए एक तरफ इसकी भी फिक्र होनी चाहिए कि बाप को माँ को इन लोगों को समझाया जाए, बड़ों को समझाया जाए, फिर तालिबान के लिए भी अलग मजालिस की जाए। ऐसी मजालिस मुनाकिब की जा सकती है शहर के अंदर हर इलाके में, कि जैसे बयानात जुमा में होते हैं तो वो उमूमी बयानात होते हैं, उसके अंदर जो मर्द हजरात आते हैं उनकी जहन साजी हो जाती है, लेकिन औरतों की जहन साजी और बच्चियों की जहन साजी के लिए अलग से इंतज़ाम करना चाहिए, अलग अलग इज्तिमाआत करना चाहिए, मुख्तलिफ उनवानों के तहत में उनको जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अगर इस तरह करें तो दोनों तरफ बात चलेगी, और अगर एक तरफ हो एक तरफ ना हो तो उससे काम नहीं चलता। जैसे कि मैंने कहा बार बार माँ बाप खुद उनको बेपर्दा बनाने की कोशिश कर देते हैं, तो इसलिए दोनों को समझाने की ज़रूरत है, बल्कि माँ बाप को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो समझ जाएंगे तो खुद बच्चियों को वो खुद समझा लेंगे। हजरत मौलाना एहतिशामुल हक साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जगह पर फरमाया है बतौर लतीफ़ा के दाढ़ी रखने का माज औरतों में करना चाहिए और पर्दे का माज मर्दों में करना चाहिए। इसलिए कि अगर मर्द उसके लिए तैयार हो गया तो वो खुद औरत को बापर्दा बना देगा, और अगर औरत दाढ़ी के लिए तैयार हो जाए तो वो अपने मर्द को खुद दाढ़ी रखने पर मजबूर कर देगी। हमने पास किया मर्द में दाढ़ी रखकर हो गया घर को और उसकी बीवी नाराज हो गई। अब बीवी की मोहब्बत में आगे बढ़वा दिया। इसलिए हजरत कहते थे कि ये वाज दाढ़ी का औरतों में करो और पर्दे का वाज मर्दों में करो। इसी तरह यहाँ भी जरूरत है। ये हिजाब बच्चियों का मसला है, लेकिन बच्चियों से ज्यादा जो है बड़ों को समझाने की जरूरत है, माँ बाप को समझाने की जरूरत है, ताकि उनके ईमान में मजबूती आए और उस ईमान की मजबूती से वो अपने बच्चियों पर मेहनत करें। बड़ी औरतों में वो निके में निके का जब रुखा होना देने आती खास तौर पर उलमा को, तो उन्होंने बोलना निकाह में क्या निकाह तुम्हारे निकाह में हमें शिरकत करना आज बोले तो दो चीज़ें उसमें नहीं होना, एक वीडियो नहीं होना, दूसरा जो है औरतों मर्द मन को एक जगह खाना खिलाना, ये दो होना। ये अगर वो कबूल करे तो हमारे रिश्तेदार में ना आते करे कबूल करे तो जाना निके में, नहीं तो हमें निकाह में नहीं जाना। ये निकाह पढ़ाना तो भी हम दे
ये चाहते भी एक अच्छा ये करें, ख़ास तौर पर हमारे उलमा इकराम ये कर बचत हो से इंशाल्लाह कुछ पर्दे कर। यानी आपका मतलब यह है कि उलमा इस पर कहें, ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हमें जाना नहीं, हमें जाना नहीं, जाना नहीं, हमारे इसमें जाना नहीं, वैसी जगह पर जाना नहीं। हाँ ये तो अच्छी बात है कि उलमा ही से आगे बात चलेगी, अगर उलमा इसमें ढील बनने के तो फिर आगे वो खुद ढीले हो जाएंगे। एक सवाल आया है कि मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद के माबैन इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे, इसके लिए किन उसूलों को अपनाना चाहिए? तंजीमें जो काम करती हैं, ये तो जाहिर है कि हर तंजीम अपने कुछ उसूल रखती है और अपना एक तरीके कार भी रखती है और अपने मकासिद भी रखती है, लेकिन ये मकासिद मुख्तलिफ तंजीमों के कहीं टकराते नहीं, मुख्तलिफ होते हैं, मुतनव्वे होते हैं, लेकिन मुतजाद नहीं होते। यानी ऐसा नहीं होता कि एक तंजीम मसलन इसके लिए कायम हो कि हम गरीबों की इमदाद करेंगे और कोई तंजीम इसलिए कायम हो जाए कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तंजीम काम करेगी, एक तंजीम काम करेगी कुछ मकासिद को लेकर और एक तंजीम काम करेगी दूसरे मकासिद को लेकर जो ज़रूरी है और उम्मत के लिए मुफीद है। इसलिए कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि तंजीमें काम कर रही हो और उनके मकासिद टकराते हो। अलबत्ता मुतनव्वे हैं, उनके कुछ मकासिद हैं उनको लेकर वो काम कर रहे हैं, इनके कुछ मकासिद हैं इनको लेकर वो काम कर रहे हैं। अब इन दोनों में इत्तेफाक बहुत आसान है कि वो अपने उसूलों पर, अपने तरीके कार पर, अपने मकासिद को बरूए कार लाने के लिए काम करें और ये अपने उसूलों पर काम करें, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसा मसला आ जाए कि उनकी और इनकी आपस के इत्तेहाद की ज़रूरत है तो सब मिलकर काम करें ऐसे मकासिद के लिए जो सब के मिलकर काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मिलकर काम करने में कोई परेशानी नहीं। असल में यह है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें काम करती हैं उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक इसलिए कायम नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपने तरीके कार को ही सही समझा दूसरे के तरीके कार को बदल सकता, या अपने मकासिद को तो मकासिद समझा दूसरे के मकासिद को मकासिद नहीं समझा। ये समझ का हेर फेर है, हकीकत में और वाकई में न तजाद है न कोई इख्तलाफ है बल्कि तनव्वो है। तनव्वो तो बहुत ज़रूरी है, तनव्वो तकसीम कार का नाम है। मुख्तलिफ मकासिद के लिए मुख्तलिफ तंजीमें काम करें ये इंतहाई ज़रूरी है। देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ। क्यों नहीं हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात तफक्को फिर दीन के लिए चली जाती, बड़ी जमात एक काम करे और इसमें से एक छोटी जमात ऐसी होनी चाहिए जो तफक्को फिर दीन के लिए अलग से आकर, जैसे मदारिस के उलमा तलबा ये अलग से आकर पढ़ते हैं लिखते हैं तफक्को फिर दीन पैदा करते हैं। अल्लाह ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, इससे मालूम हुआ ये तकसीम कार बहुत ज़रूरी है। अगर सारे एक तरफ निकल जाएं, अल्लाह उस पर तंबीह कर लें, कहते क्यों नहीं ऐसा कर ले, और फिर जो अल्फाज हैं उलमा जानते हैं कि ये तंबीह वाले अल्फाज हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई हर जमात में से कुछ लोग आकर तफक्को पैदा कर लें, उसके बजाय अल्लाह ने तंबीह के तौर पर फरमाया فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ, क्यों नहीं ऐसा कर लेते। डांट हो रही है उम्मतियों को, डांट हो रही है कि क्यों नहीं ऐसा कर लेते, यानी तुम्हें करना चाहिए था और तुम उसमें गफलत कर रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए था, क्यों नहीं कर लेते ऐसा।
मालूम हुआ कि बड़ी सख्त तंबीह है इस बात पर कि तकसीम कार को छोड़ दिया जाए, लिहाजा एक जमात एक काम करे, दूसरी जमात दूसरा काम करे, एक तंजीम एक काम करे, दूसरी तंजीम दूसरे मकासद को लेकर काम करे। ये काम मुख्तलिफ तंजीमें करती रहेंगी तभी दीन जिंदा रहेगा और उम्मत के लिए फवायद बरकात बराबर जारी रहेंगे। अगर ये समझ में आ जाए उम्मत को और उम्मत में मुख्तलिफ काम करने वाली तंजीमों और जमातों को, तो कोई इख्तलाफ इनके अंदर नहीं, सब काम कर रहे हैं उसी के लिए जो दूसरे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर इख्तलाफ तो था नहीं। लेकिन अब मौजूदा हालात में जो सवाल पैदा हो जाता है कि हम इनमें इत्तेहाद कैसा पैदा करें, ये इख्तलाफ, ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ है कि हर तंजीम अपने आप को अलग समझती है, कोई किसी से हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को अलग अलग समझ लिया गया है, वरना तो हकीकत के अतबार से कोई भी इसके अंदर न इख्तलाफ है न तजाद है, तो फिर इसमें बहुत आसान है, बस तवज्जो दिलाने की जरूरत है, इसके लिए किसी उसूल की भी जरूरत नहीं, उसूल तो बने बनाए। सबका मकसद अल्लाह की रजा, 10 तंजीमें हो 10 तंजीम वाले भी अगर अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं उनमें क्या इख्तलाफ है। रहा तरीकेकार का इख्तलाफ, तरीकेकार का इख्तलाफ तो होना जरूरी है, बगैर उसके तो काम नहीं हो सकता। हर आदमी अपने अपने लहज पर अपने अपने तरीके पर काम करता है, लिहाजा अपने अपने तरीकों से काम करें। इस तरह काम करने में न तजाद है न कोई इख्तलाफ है, बस समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अगर समझाने की कोशिश हो गई और इनको कभी जोड़ लिया गया, कोई इदारा ऐसा बन जाए जो इनमें जोड़ने के लिए अपना मकसद बनाकर काम करे, जैसे बहुत सारी तंजीमें हैं, ये ऐसा भी निज़ाम बन जाए कि उस तंजीम के ज़रिए सिर्फ यही काम होता रहे कि हम तमाम तंजीमों को जोड़ लिया करें और इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश बहुत आसान है, जैसे कि मैंने कहा कि उनको ये कहा जाए भाई आप जो काम कर रहे हैं उम्मत के लिए बेहतरीन काम है, इसकी बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है। मसलन कुछ लोग स्कूल चला रहे हैं, हमें उसकी भी ज़रूरत है, कॉलेज चला रहे उनकी भी हमें ज़रूरत है, इमदाद की मुख्तलिफ तंजीमें हैं और उसमें कोई स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई तिब्बी इमदाद पहुंचा रहा है, कोई किताबों के जरिए मदद पहुंचा रहा है, कोई यतीमों गरीबों वगैरह को पैसे दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है। अब ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनको बुलाकर ये समझाया जाए कि आप सब जो काम कर रहे हैं सब के सब बहुत ही अहम तरीन काम करते जा रहे हैं और आप सब जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, आप सब मिल रहे हैं, बस इतनी है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी और उसूल की ज़रूरत ही नहीं, उसूल ये ही है क्या मकसद सबका अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा के लिए काम मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तदबीरों से करें, तो इसके अंदर कोई इख्तलाफ और अजाब है ही नहीं, तो फिर हमें किसी और उसूल के बनाने की जरूरत क्या है। अगर इस पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। नई तालीमी पॉलिसी में जो बातें शरीयत और दस्तूर के खिलाफ हैं उनके मद्देनजर इस पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है या नहीं, हम इस पॉलिसी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं बजाय कानूनी इकदाम से रद्द करने के, जबकि कानून बनने के बाद इसके खिलाफ बोलना जुर्म है। नई तालीमी पॉलिसी में मुझे नहीं मालूम कि दस्तूर के खिलाफ भी कोई चीज़ है, अगर आपके इल्म में हो तो बताएं, मेरे इल्म में तो कोई सी बात नहीं है। अलबत्ता शरीयत के खिलाफ भी एकदम टकराने वाली सूरत तो नहीं है उसके अंदर, अलबत्ता वो ये चाहते हैं और उस तालीमी पॉलिसी का मुताला करने के बाद जिन जिन लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, मैंने भी सरसरी तौर पर उसको देखा है पढ़ा है, तो उससे अंदाजा होता है
कि तालीमी निज़ाम तो बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन साफ़रानी लंग के साथ, यानी उनका उनकी ज़हनियत पैदा हो जाए, लोग उनकी बातों को कबूल कर लें, बस ऐसा अंदाज को इख्तियार करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नकल है अंग्रेज़ों की। जब यहाँ अंग्रेज़ी निज़ाम कायम हुआ था तालीम का, अंग्रेज़ी पॉलिसी, तो यहाँ भी यही किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने एक जुमला लिखा था अपनी तालीम, वो तालीम का जिम्मेदार था, वज़ीर था, तो उसने उस ज़माने के अंदर एक बात बयान की थी। उसने कहा था कि इस तालीमी निज़ाम से हमारा मकसूद हिंदुस्तानी गोश्त पोस्त के लोगों में अंग्रेज़ी फिक्र, अंग्रेज़ी तहजीब दाखिल हो जाए। गोश्त पोस्त ये तो हो हिंदुस्तानी लोगों का, लेकिन फिक्र हमारी उनके अंदर आ जाए। इसके लिए ये तालीमी निज़ाम जारी किया गया है। उसी की बेआईन ही नकल इन लोगों ने अपनी कि तालीमी निज़ाम होगा, लेकिन तालीमी निज़ाम के साथ हिंदुओं की फिक्र पैदा हो जाए और उनकी तहजीब को कबूल कर लिया जाए, जहन ऐसे बना दिया जाए तालीम के ज़रिए से कि वो आसानी से उनकी बातों को कबूल करते चले जाएं। अकबर इलाहाबादी ने पहले कहा था कि यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, यूँ कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस कि फिराउन को कॉलेज की नजर। ये अंग्रेज़ों के दौर को सामने रखकर उन्होंने कहा था कि उसके जहन में अगर ये आ जाता कि मैं एक कॉलेज बना दूं और उसमें तालीमी पॉलिसी ले आऊं और उस तालीमी पॉलिसी के तहत में पढ़ने वाले लोग बहुत से होंगे, उनमें मूसा भी आके बैठेंगे, जब मूसा भी आके बैठ के पढ़ेंगे तो वो तो फिर मेरी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे, जो मैं चाहता हूँ वही वो बोलेंगे। ये अगर उसे समझ में आ जाता तो बेचारे ने कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल करके बाद रिवायतों में लिखा 70,000 बंदों को कत्ल कर दिया। ये नाम बदनाम ना होता उसका कातिल होने की हैसियत, बल्कि नाम हो जाता भाई उसने बहुत बड़ा कॉलेज खोला और बहुत बड़ी कॉलेज खोलकर जो है अजीब तालीमी पॉलिसी लाई, ऐसा किया वैसा किया, तालीमी नाम हो जाता उसका। तो उसको उन्होंने कहा यूँ कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की नजर। वो खुद अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे और यूरोप के परवरदा थे, यूरोप में पढ़ के आए थे, उन्होंने जो माहौल देखा, हालात देखे, उनके नज़रियात को टटोला देखा, उसके मुताबिक उन्होंने ये बात कही। बस उसी निज़ाम को यहाँ पर लाना चाहते हैं कि भाई आए तालीम हासिल करें, लेकिन उनको हम ऐसा माहौल देंगे, ऐसा अंदाज देंगे कि वहाँ पर रहते रहते बच्चे की फिक्र उस अंदाज पर ढल जाए और वह ज़ाफ़रानी रंग में रंग जाए, ये उनका मकसद है। बिल्कुल उसी की हूबहू नकल है। तो इसलिए डायरेक्ट तो कोई ऐसी चीज़ हम नहीं बता सकते उसमें कि ये शरीयत से टकरा रही है, बस वो एक माहौल दे देंगे तालीम के लिए, एक माहौल पैदा कर देंगे। जैसे अंग्रेज़ों ने माहौल पैदा कर दिया तो पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ पढ़ कर बहुत सारे ऐसे हुए जो मुर्तद हो गए, बहुत सारे ऐसे हुए जो दीनी एतबार से शक और शुबे में मुबतला हो गए और उनका ईमान ऐसा मजबूत नहीं रहा। आज भी बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं जो दीन के एतबार से, अगर उलमा की तहरीकात और ये तबलीगी जमात की तहरीकात और इसी तरीके पर मशायख की तहरीकात अगर हिंदुस्तान के अंदर जो है उनके मुतवाजी बराबर न चली होती तो उसका नतीजा तो बहुत ख़तरनाक निकलता। आज इससे लोग मुसलमान हम ना देख सकते, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को, जमातों को, दीनी तहरीकात को इसके लिए आमादा किया और फिक्र पैदा की और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज तक दे रहे हैं, और उसका नतीजा है कि हम आज भी उस माहौल से निकल कर आने के बावजूद उनको मुसलमान होने की हालत में देख रहे हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ कि नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में कानूनी तौर पर, ये मैंने कहा कि मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम है कि कानूनी कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर आई हो जो टकराने वाली हो, ये तो वो लोग बोल सकते हैं जो इसका इस एतबार से और गहराई से मुताला किए हुए हों। बाकी शरीयत से डायरेक्ट तो टकराने वाली बाजार कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी आपको, अलबत्ता वो माहौल ऐसा देकर हमारे मिजाजों को और नज़रियात को उनके नज़रियात की तरफ आमदा करने की फिक्र करना चाहते हैं, इतनी बात उससे वाज़ह है। ऐसी सूरत में हमें करना क्या चाहिए? ऐसी सूरत में अगर ये लागू हुआ कानून बना तो उसका सबसे बड़ा इलाज वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि मुसलमानों के अपने स्कूल कॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था इससे बड़े बड़े मसले पेश आने वाले हैं। ये तो हिजाब का एक मसला छोटा मसला आया है, अगर ये आ जाएगा तो बड़ा मसला पेश आ जाएगा, खतरनाक मसला पेश आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में इलाज क्या होगा? इलाज वो होगा कि हमारे स्कूल होना चाहिए, बच्चे हमारे पास पढ़ना चाहिए, हमारी तरबियत में होना चाहिए, उनके गोदों में पलने के बजाय हमारे गोदों में पलना चाहिए। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर, और उम्मत को इसके लिए आमादा किया जाए, मालदारों को इसके लिए आमादा किया जाए, और इस तरह के इदारे कायम करने के बाद ये मसला आसानी से हल हो सकता है कि तालीम तो उस निज़ाम के मुताबिक चलेगी लेकिन वो तालीम हमारे माहौल में, दीनी माहौल में, इस्लामी माहौल में चलेगी तो वो जो गलत असरात हो सकते हैं उससे आसानी बचाया जा सकता बच्चों को, एक बात। दूसरी बात, बिलफर्ज अगर फौरी तौर पर इस पर अमल ना हुआ तो जगह 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 बेहतरीन मकातिब का निज़ाम कायम कर दिया जाए, इतने मकातिब हों कि कोई बच्चा हमारे मकतब में आए बगैर ना रहे, उसकी तरगीब और उस सिलसिले में लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए उलमा और दीनी तबके के लोग पूरे पूरे तौर पर उनको मुतवज्जे करने की फिक्रें करें और कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो मकतब में ना हो। देखिए इन मकातिब का बहुत अहम रोल है, अब तक भी मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे अपने अकीदे दुरुस्त करते हैं, आमाल दुरुस्त करते हैं, उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं तो उनका दीन थोड़ा बहुत बरकरार रह जाता है, अगर ये ना हो तो फिर तो वो उसी माहौल में ढल जाएंगे। इसलिए दूसरे नंबर पर यह है कि मकातिब का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए। मैं तो अव्वल दर्जा उसे दे रहा हूँ कि कॉलेजेस और जो है स्कूल्स हमारे होना चाहिए, दीनी तालीमी इदारे हमारे होने चाहिए और वहाँ पर यह तालीम हो लेकिन माहौल अपना और मिजाज अपना उनको दिया जाए। और दूसरे नंबर पर यह है, अगर हम इसमें कामयाब ना हो सके और किसी वजह से इसमें तसाहुल हुआ तो फिर ये ज़रूरी है कि हजरात उलमा मकातिब का बेहतरीन निज़ाम, भरपूर निज़ाम इतना ज़्यादा फैलाए, इतना ज़्यादा फैलाए और लोगों को इतनी सहूलत हो जाए कि वो घर से निकले और मकतब में दाखिल हो जाए, यानी एक एक महल्ले में कई कई मकातिब कायम कर दिए जाए, जब जाकर ऐसा हो सकता है कि हम उनको दीनी तालीम से आरास्ता कर कर उनकी फिक्रों को दीन पर मुस्तमिर, दीन पर कायम रख सकते हैं और उन असरात से उनको बचा सकते हैं। मकातिब ही के बारे में सवाल है, मकातिब के निज़ाम को कैसे मुफीद से मुफीद बनाया जाए। मकातिब में सबसे अहम मसला निसाब का है। निसाब कोई भी आप पढ़ाएं लेकिन एक जामे निसाब पढ़ाएं जिसके अंदर अकायद भी हो, मसाइल भी हो, सीरत भी हो, अहादीस भी हो और रोज़मर्रा के आदाब और ज़िंदगी गुजारने के उसूल व तरीक़े हों, इन सब का जामे तरीन निसाब पढ़ाया जाए बच्चों को और उनके अंदर ऐसी फिक्र पैदा कर दी जाए कि गलत माहौल का कोई असर उनके ऊपर मुरतब ना हो सके। तो एक तो है निसाब-ए-तालीम जामे होना चाहिए जिसके अंदर ये सब उमूर होना चाहिए।
बहुत जगह पर मकातिब चलते हैं लेकिन उसमें आमतौर पर कुछ दुआएं याद करा देते हैं और छोटी। अब भी बहुत जगह ऐसा है, क्या पढ़ा रहे हैं? दुआएं पढ़ा रहे हैं। एक तो नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा या कुरान शरीफ के साथ साथ सिर्फ दुआएं पढ़ाते हैं। सिर्फ दुआएं पढ़ाना यह मुफीद नहीं है, यानी काफी नहीं है। मुफीद तो है, काफी नहीं है। इसे के सबसे बड़ा मसला तो अकीदे का है। अगर बच्चों को अकीदा ही ना मालूम हो तो फिर वो जहां जाएगा वहां जो तालीम होगी उसके मुताबिक अकीदे को नजरिए को कबूल करता जाएगा। इसे के ईसाइयों के जो स्कूल चलते हैं आजकल बड़े खतरनाक हैं। अब वही ये देख देख कर हिंदू लोग भी वही करना चाह रहे हैं और उसी को देख देख कर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की फिक्रें की जा रही है ताकि बगैर किसी रुकावट के खुद ब खुद जहन उधर बनता चला जाए। तो इसलिए जो है अकीदों की तालीम बहुत जरूरी है। मैं वाकया सुनाया करता हूं, बहुत साल पहले की बात, कि हमारे घर पर एक औरत अपने दो बच्चों को रोजाना लाकर मेरे घरवाली से कुरान पाक पढ़ा के जाया करती थी। तो एक बार वो आई और आकर रोने लगी, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। क्या परेशानी है? बड़े खानदान की औरत, मालदार, लेकिन परेशानी घर में समझे कि शायद कोई माली परेशानी हो गई होगी। पूछा उसे क्या परेशानी है, तो उसने कहा अभी मैं बच्चों को लेकर रोजाने की तरह आ रही थी तो रास्ते में चलते चलते मेरे बच्चे अचानक मुझे नजर नहीं आए, तो मैंने पलट के देखा तो एक जगह पर जो है पीछे रास्ते में ईसा का या मरियम का स्टैचू था, वहां स्टैचू के पास ये दोनों नील डाउन हो गए हैं ऐसा लग रहा। मैंने बच्चों को एक दो लगाया और जो है कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो कहा कि हम तो रोजाना स्कूल में करते हैं, हम तो रोजाना स्कूल में करते हैं, यही हमको सिखा रहे हो। तब उसको मालूम हुआ कि स्कूल में तालीम के नाम पर ये हो रहा है। खैर वो औरत जो है रो रो कर कहने लगी कि मेरे बच्चों का यह हाल देखकर मैं बहुत फिक्रमंद हो गई हूँ। ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वहां अगर हमारे बच्चों की तालीम घरों में मकातिब में बेहतरीन अंदाज से ना हुई तो वहां जाने के बाद मालूम नहीं उनका दिल दिमाग क्या बनता जाएगा। लेकिन घर में अगर सच्ची तालीम होती है, पक्की तालीम होती है, मकातिब के अंदर तालीम होती है, बच्चों के जहन में अकीदों को उतारा जाता है तो फिर क्या होता है उसका भी एक वाकया सुनिए। ये वाकया हिंदुस्तान का नहीं, लंदन का वाकया है। मेरे मामू लंदन में रहते थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया दो चार साल पहले, वहीं पर वो रहते थे। उन्होंने वाकया सुनाया कि उनका एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, अब तो बड़ा है वो, उसके बचपन का वाकया है। उसकी उम्र जो है उस वक्त में 8-10 साल की थी, वो स्कूल को जाया करता था। उसने जो है स्कूल में जो प्रेयर होता है प्रेयर में जाना छोड़ दिया। स्कूल को जाता लेकिन प्रेयर के वक्त में अलग बैठा रहता, क्लास में चला जाता, प्रेयर में आके हाल में नहीं खड़ा होता था। तो हमारे मामू बताते थे कि एक बार फोन आया स्कूल से कि आप स्कूल आइए और आपके बच्चे के बारे में बात करना है। कहते हैं कि मैं गया तो उन्होंने बच्चे की शिकायत की कि आपका बच्चा प्रेयर में शामिल नहीं होता और जाकर बैठ जाता है, क्लास में जाकर बैठ जाता है या कहीं ठहरा रहता है, शामिल नहीं होता। हमने उससे कहा तो कहता है कि मैं नहीं शामिल होगा इसके अंदर, बस इसी शिकायत के लिए आपको बुलाया गया है। मेरे मामू कहते थे कि मैंने बच्चे से पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं जाते तुम? तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं जा सकता कि इस प्रेयर के अंदर हमको ये पढ़ाया जाता है कि ईसा सन ऑफ गॉड,
सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं, ये मेरे अकीदे के नज़रिए के ख़िलाफ़ है, मैं कैसे जाऊँ इस पर पढ़ने के लिए? इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा ईमान ख़राब हो जाए। मेरे मामू कहते थे कि मैंने ये सुनने के बाद बहुत मैं खुश हुआ दिल में, और मैंने स्कूल के जो जिम्मेदार मुझे बुलाए थे, मैंने उनसे कहा कि मैं तो यहाँ बच्चों को तालीम के लिए भेज रहा हूँ और किसी और चीज़ के लिए नहीं भेज रहा हूँ, क्या प्रेयर में शरीक होना भी कोई कानूनी तौर पर ज़रूरी है? अब वो ठिटक गए, कहने लगे हाँ ये तो ज़रूरी नहीं है। तो कहा कि मेरा बच्चा स्कूल में तो बराबर आ रहा है, एक गैर ज़रूरी चीज़ में आप उसे क्यों जो है लाजिम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को हम मुस्तस्ना करते हैं। यह लंदन का वाकया है भाई। अगर हमारा ईमान ऐसा मजबूत हो, हमारे बच्चों का ईमान ऐसा मजबूत हो, अल्लाह की ज़रूर मदद आती है। तो आप देखो लंदन जो ईसाइयों का मुल्क, ईसाई कानून वहाँ पर नाफिज, लेकिन ईमान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिस्ना दे दिया। तो एक वाकया ये आपको बताया, एक वाकया ये बताया, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बुनियादी तौर पर यही समझ में आता है कि यहाँ अकीदा मजबूत नहीं हुआ था, यहाँ अकीदा मजबूत हो गया। इसलिए मकातिब की तालीम और घरेलू तालीम इतनी मजबूत हो जाए कि अकीदा उनका पक्के तौर पर जो है दिल में घिर कर जाए और ईमान मजबूत हो जाए, इसी तरह उनके आमाल मजबूत हो जाए। इसी मैंने कहा अकीदा ज़रूरी, अकीदे के साथ आमाल की तालीम भी हो, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, फ़राइज़, उसके मसाइल, और अहादीस भी उनको पढ़ाई जाए, सीरतुल नबी के असबाब पढ़ाए जाए, आदाब के आदाब की तालीम दी जाए, हुकूक़ की तालीम दी जाए, माँ बाप के हुकूक क्या, अखलाक क्या, किसके साथ कैसा पेश आना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जामे एक निसाब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए 5-6 साल लग जाए। वक्त कम देते हैं लेकिन उस थोड़े से वक्त को हम तकसीम करें, एक एक साल, एक एक साल, एक एक साल, 5-6 साल या 7-8 साल भी पढ़ाएं, लेकिन उनको जामे निसाब पढ़ाने की कोशिश की जाए। मकातिब के अंदर एक बात ये होनी चाहिए, दूसरा निज़ाम तालीम, निज़ाम तालीम, निज़ाम तालीम के मातहत चलता है। अगर निसाब बना बनाया हो लेकिन निज़ाम न हो तो निसाब नहीं चलेगा। इसलिए निसाब के साथ निज़ाम बेहतरीन हो, अवकात की पाबंदी, तालीम में तरतीब हो, और उसके साथ मकदार तालीम हर साल के लिए इतनी 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 इतनी, या दिनों के लिहाज से, महीनों के लिहाज से, साल के लिहाज से मुरतब हो जाए, और उस निज़ाम के तहत में बच्चों को पढ़ाया जाए, और उसी में ये भी हो कि अमली मश्क कराई जाए नमाज की और दीगर चीज़ों की, और फिर उनके अकायद को मजबूत करने के लिए सवालात किए जाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मेहरबान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद, तालिबन यहाँ भी आ चुके हैं, वो उन्होंने अपने यहाँ एक निज़ाम जारी किया था और कई जगह पर वो निज़ाम चला, बेंगलोर में भी हम लोग चलाते थे, एक साथी निज़ाम उसका नाम उन्होंने रखा, 1 घंटे का निज़ाम। उसमें ये करते थे कि कहीं भी जाकर रोडों में बच्चे जो घूमते फिरते रहते थे सड़कों पर, उनको चॉकलेट दे देकर एक जगह पर जमा कर लेते, और फिर जो है सवालों जवाब के अंदाज पर उनके अकायद को मजबूत किया जाता। हज़रत मौलाना भी शायद उस जमाने में थे, हमारे गयूर अली साहब, मौलाना और भी बहुत सारे हजरात, कई जगह पर गलियों में माशाल्लाह चलता था, 10-15 जगह पर निज़ाम चलता था हमारे यहाँ बेंगलोर की बात बोल रहा, और उसके बड़े अच्छे नतायज, वो बच्चे जो खेल में कूद में इधर उधर घूम रहे फिर रहे, ना स्कूल जाते हैं, ना मदरसा जाते हैं, ना मकतब जाते हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ कर बिठाते, चॉकलेट देते, और उनको सवाल और जवाब के अंदाज पर ये तालीम दी जाती थी। मौलाना ने किताब भी सच्चाई के नाम से लिखी थी, उस किताब को सामने रखकर ये सवाल जवाब किए जाते थे। वहीं का एक वाकया ये भी सुना दूं आपको कि बैदवाड़ी हमारा महल्ला कहलाता है, उसके बाजू एक महल्ला था, वहाँ पर भी हज़रत मौलाना गयूर अली साहब एक उस्ताद थे, वो जाते थे पढ़ाने के लिए। तो मैं कभी कभी चक्कर लगाता सब जगह पर, 5-5, 10-10 मिनट के लिए, जहाँ वो निज़ाम जारी है देखने के लिए। तो एक बार वहाँ पर गया तो एक हिंदू का मकान है, हिंदू के मकान पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों पर ये निज़ाम चल रहा है,
हिंदू का मकान और उस पर इल्ज़ाम। मौलाना ने बताया कि हिंदू जो साहब हैं उन्होंने खुद हमसे कहा कि यहाँ बिठाइए, यहाँ बिठा के आप ये तालीम दीजिए, खुशी के साथ वो जगह वो दे देते। मजीद अजीब बात ये थी कि एक बच्ची को मैं देख रहा था, छोटी बच्ची और बच्चों के साथ, मुसलमान बच्चों के साथ बैठी है, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि मुसलमान नहीं है, यानी उसका ड्रेस वगैरह जो अंदाज था वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये मुसलमान नहीं है। तो मैंने मौलाना से आहिस्ता से पूछा कि भाई ये बच्ची जो बैठी है ये मुसलमान नहीं लग रही है? तो उन्होंने कहा हाँ हजरत, ये इसी घर वाले की बच्ची है, ये हिंदू जो साहिब मकान है उनकी बच्ची है, और वो बराबर पाबंदी से अपनी बच्ची को यहाँ भेजते हैं और इसे पूरे अकीदे मालूम हो गए। आप पूछ लीजिए इसको कहीं से भी, अल्लाह के बारे में पूछिए, रसूल के बारे में पूछिए, आखिरत के बारे में पूछिए, ये इसका जवाब देती है। मैंने पूछा, माशाल्लाह वो जवाब देने लगी। मैं बता रहा हूँ कि तालीम की मजबूती और निज़ाम की मजबूती ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये निज़ाम इस तरह कायम करके चलाया जाता है तो उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जहाँ भी मकातिब मौजूद हैं उसके अंदर इसकी बहुत फिक्र की जाए कि एक बेहतरीन और जाम तरीन निसाब आ जाए और बेहतरीन अंदाज और निज़ाम उसका कायम हो जाए, तो ये मुफीद होने के लिए काफ़ी होता है। आज हिजाब महज सर ढांकने को समझा जा रहा है, चेहरा खां चेहरा खुला हुआ हो, क्या यह शर्मी बनता है? इसका जवाब तो बिल्कुल जाहिर है, पर्दा असल में तो चेहरे ही का होता है। अगर कोई आदमी जो है शादी के लिए किसी लड़की को देखना चाहता है तो चेहरा देखता है या क्या देखता है? छोटी सी बात है, घर के लोग जाते हैं, माँ बहने वगैरह, कि भाई हमारे बच्चे के लिए एक लड़की को देखना है, लड़की को देखने के लिए सर थोड़ा ही देखा जाता है, देखा जाता है तो चेहरा ही देखा जाता है। तो चेहरा ही असल है, जो चीज़ असल है उसी को खुला रखकर आदमी सर ढांक ले तो काफ़ी नहीं। कुरान पाक का हुक्म बिल्कुल साफ अल्फाज में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। इसके तफसीर के अंदर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के बाद सहाबियात का अंदाज यह होता था कि सिर्फ एक आंख खुली रखती, बाकी पूरा ऊपर से नीचे तक अपने आप को ढांक के जाया करती थी, देखने के लिए सिर्फ एक आंख इस तरह खुली रखती थी। ये था पर्दा, यही शरीरी पर्दा है, और उसके अंदर चेहरे का पर्दा तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये पर्दे में दाखिल नहीं है, वो कुछ ऐसे लोगों के बहकाने की वजह से समझ रहे हैं जिनको खुद दीन का शरीरी और सही इल्म मौजूद नहीं है। आज हमारी बच्चियां जिस हिजाब के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं वही इस्लामी हिजाब है या कोई और? उसका जवाब तो अभी हो गया, जब वो वहां जाती हैं तो अंदर जाने के बाद वो बुरका उतारकर अंदर जाती है, सिर्फ जो है ऊपर यानी सर के ऊपर स्कार्फ होता है, चेहरा खुला हुआ होता है। अब ये कहा जा रहा है कि सर का भी उतार दो, इसलिए ये सवाल पैदा हुआ है, वरना वो अब तक जो जा रही थी वो खुद बेहिजाब ही थी, यानी चेहरा खुला होता था। जब दर्स में जाकर बैठती थी, पढ़ाने वाला उस्ताद मुअल्लिम मर्द आता था, पढ़ाता था, तो उसके सामने चेहरा खुला ही रखती थी, सिर्फ सर ढका हुआ होता था, तो ये शर्मिंदा पर्दा का हुआ। अब जो जिद्दोजहद हो रही है वो क्या हो रही है कि नहीं, हमको सर ढांकने की इजाजत दी जाए, चेहरा ढांकने की इजाजत मांगी भी नहीं जा रही है, इस पर सुनवाई भी नहीं हुई, खुली हुई बात है। इसीलिए मैंने जब शुरू में गुफ्तगू की थी तो कहा था कि जो है शरई पर्दा कहाँ है इस वक्त? जो लोग पर्दे के लिए, जो औरतें या बच्चियां पर्दे के लिए उठ खड़ी हुई है,
उनको गलत फहमी है या क्या वजह है नहीं मालूम कि वो बस खुद बेहिजाब ही हैं, उस बेहिजाबी ही को वो हिजाब समझ रही है, चेहरा खुला हुआ है समझ रही है कि सर ढका हुआ है तो हिजाब हो गया, ये शर्ई पर्दा हरगिज भी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि जो तालिबात हिजाब पर एहतजाज कर रही हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ फजाइल और बात हो जाए। देखिए एक तो है शर्ई हिजाब, उसके बारे में तो अभी आया कि इस वक्त में जो बात ज़ेर बहस है और जो मुतालबात और एहतजाज जारी हैं वो शर्ई पर्दे के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं है बल्कि जुज़वी तौर पर पर्दे के लिए, लेकिन इतना भी वो जो कर रही है बाहिम्मत तौर पर ये वाकई काबिल तारीफ बात है और जो है इस पर उनको मुबारकबाद देना चाहिए। इससे कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर नमाज ही नहीं पढ़ता था, फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर डाला, चार नमाजें नहीं पढ़ता सिर्फ फजर फजर की पढ़ लेता है तो फिर भी काबिले तारीफ ही समझा जाएगा उसे कि भाई नहीं पढ़ने वाला, पंच वक्ता नहीं पढ़ने वाला, कम से कम एक तो पढ़ रहा है माशाल्लाह, इसे हम उसकी तारीफ ही करेंगे कि बहुत बाहिम्मत आपने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा इकदाम किया है, और फिर उसे दूसरी भी नमाज पढ़ने की तलकीन की जाएगी। इसी तरीके पर जो बच्चियाँ इस सिलसिले में एहतजाज कर रही हैं और ख्वाहिश रखती हैं कि उनको सर ढांक कर इजाज़त पर जाने की इजाज़त दी जाए वो बड़ी काबिल मुबारकबाद हैं और उनको हम समझते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है ये उनकी हिम्मत की दलील है और उनके ईमानी हरारत की दलील है। लेकिन उनको साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हमें और भी आगे बढ़ना है, सिर्फ अभी फजर की नमाज आपकी शुरू हुई है, जोहर भी आपको पढ़ना है, असर भी पढ़ना है, मगरिब ईशा भी पढ़ना है, बल्कि इससे आगे तहज्जुद भी पढ़ना है, इसके लिए मजीद कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जितना काम इस वक्त में इस माहौल में यहाँ के हालात में डट कर वो कर रही हैं वाकई काबिल मुबारकबाद है। मुस्कान नामी लड़की का जो किस्सा आया वो भी बड़ी काबिल मुबारकबाद है, इतनी हिम्मत करते हुए उसने अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए आगे बढ़ने की जो कोशिश की ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। लेकिन हम इन बच्चियों से मजीद ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरे पूरे पर्दे की भी जिद्द जहद करो, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करो, ये महज अपने लिए नहीं अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए और अल्लाह उस वक्त में खुश होंगे जब हम पूरे पूरे तौर पर पाबंद हो जाएंगे। और शर्ई पर्दा क्या है, शर्ई पर्दे में चेहरे का पर्दा सबसे अहम है और फिर उसके बाद सर का भी है और जिस्म के दीगर आज़ा का भी है, लिहाजा तमाम आज़ा को छुपा कर जाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर बड़ी रुकावटें इस दौर के अंदर मौजूद हैं और इस दौर में जो थोड़ा बहुत हिजाब वाला मसला लेकर आप ये खड़े हुए हैं खड़ी हुई हैं तो ये भी हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है रोल आपका और इसमें हम आपकी जो है तारीफ करते हैं और इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूर कहना चाहते हैं कि और भी आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह रुकावटों को दूर करते हैं लेकिन हम खुद पाबंद हो जाएं। जब हम पाबंद हो जाते हैं अल्लाह रुकावट एक बात दीगर ख़त्म कर दे, लोगों के दिलों को बदल देते हैं, ये बदलना अल्लाह के इख्तियार में है, हम अपने आप को बदलें ये अल्लाह ने हमारे इख्तियार में लिया है, हालात को बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह हालात को बदल देंगे और लोगों के दिलों को बदल देंगे। लिहाजा सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं इन बच्चियों से यह अर्ज करूँगा कि वो अपने इस मिशन के ऊपर अपने इस एहतजाज पर बरकरार रहें। अगर खुदा न खास्ता कानून इसके खिलाफ आ जाता है, मैं इन बच्चियों से साफ अर्ज करूंगा, इनके वालिदैन से भी साफ अर्ज करूंगा कि ये तालीम से चाहे रुक जाए लेकिन अपने पर्दे को छोड़ने के लिए आमादा हो, वो कहें कि हम ठीक है
ये बड़ी तालीम हासिल ना करें तो क्या है, आप कुरान पढ़िए, हदीसे पाक पढ़िए, अल्लाह के निगाह में आप बलद से बलद हो जाएगी। दुनिया वाले आपको हकीर समझे, लेकिन दुनिया वालों ने किसे किसे हकीर नहीं समझा। क्या अंबिया को हकीर नहीं समझा गया? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर नहीं समझा गया? क्या आपको ताने नहीं दिए गए? क्या आपको और आपके साथियों सहाबे किराम को तंकीस की निगाहों, तहकीर की निगाहों से नहीं देखा गया? आज भी उलमा को क्या तहकीर की निगाहों से नहीं देखा जा रहा है? ये सब हो रहा है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए और कहिए कि हमको भी तहकीर की निगाहों से देखने वाले देखते रहे। ला यखाफून लौमत लाई, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। मलामत करने वाले मलामत करें, लेकिन हम कहेंगे कि हम अल्लाह के नबी के दीन को, अल्लाह की तरफ से आई हुई शरीयत को पामाल होते हुए देख नहीं सकते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, अयुनकसुद्दीन अना हय, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीते जी दीन के अंदर कुछ नुक्स आ जाए, दीन के अंदर कोई कमी वाकई हो जाए? मेरे जीते जी मैं कभी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप भी कहें, हम पर्दे को हरगिज छोड़ने वाली नहीं, हम दुनिया को छोड़ सकती हैं लेकिन हम पर्दे को छोड़ नहीं सकती। हमारी तालीम कुछ दिनों के लिए रुक जाती है और इसमें हम नाकाम हो जाते हैं, कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अल्लाह की निगाह में बुलंद हो जाती है और आखिरत असल है हमारे लिए, दुनिया को असल नहीं है। इसलिए हमें तो वहाँ की चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए इन बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि वो डटी रहें और इसके ऊपर कायम दायम रहें और मजीद हकीकी व शरई पर्दे की तरफ आने की भी भरपूर कोशिश करें। अब जो बात हुई अभी प्रोटेस्ट में दाखिल है, बयाना जो हो रहे वो भी प्रोटेस्ट में दाखिल है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोटेस्ट का वही अंदाज होना जरूरी नहीं है। एक होता है अवामी अंदाज को प्रोटेस्ट करने का, ये आलिमाना होता है। उलमा निकलकर बाजारों में जाएं और खड़े हो जाएं इस तरीके पर, वो उलमा का काम नहीं है, उनके वकार के खिलाफ है। आप देखिए प्रोटेस्ट करने वाले और लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सब यकसा ही नहीं होते, हर एक के प्रोटेस्ट का अंदाज अलग होता है। अगर जजों ने मिलकर किसी सिलसिले में प्रोटेस्ट किया तो क्या रोडों में आ जाते हैं? वो आपने देखा है कहीं नहीं आते। क्या हमारे उलमा का वकार जो है जजों से भी कम है? उनका वकार तो उससे ज़्यादा है। एडवोकेट्स लोग अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका अंदाज अलग होता है। इसी तरह उलमा का भी प्रोटेस्ट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट दूसरे अंदाज पर है, वो अंदाज पर नहीं है। ये सवाल मुझसे बहुत किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि उलमा वही अंदाज इख्तियार करें प्रोटेस्ट का, ये कोई ज़रूरी भी नहीं और उनके लिए वक़ार के मुनासिब भी नहीं है। उलमा को अपने वक़ार से रहना चाहिए, अपने वक़ार से प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो बयानात होते हैं, जो कहा जाता है, ये तो प्रोटेस्ट है, यही काफ़ी है उसके लिए। शरई नुक्ते नज़र से वीडियोग्राफी के जवाज व अदम जवाज की शक्लें क्या हैं? ये एक बहुत तवील ज़ैल मसला है। वीडियो के बारे में मैं तो बहुत पहले से अदम जवाज पर कायम रहा हूँ, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, बेशुमार उलमा भी जानते हैं, मेरी इस पर कुछ किताबें भी मौजूद हैं। लेकिन ये मैंने जो किताब लिखी है तकरीबन जो है 25 बरस पहले, बल्कि 30 बरस के लगभग हो चुका है, जब मैंने टेलीविज़न पर रिसाला लिखा था, तकरीबन 30 साल होते जा रहे हैं उस पर। उस ज़माने में जो कुछ मैंने लिखा उसके अंदर वीडियोग्राफी के बारे में भी आया। उसमें मेरा नुक्ते नज़र ये था कि वीडियोग्राफी में ये होता है कि वीडियो जब पकड़ते हैं तो उसके अंदर एक तस्वीर आ जाती है, वो तस्वीर अंतर महफूज रहती है और फिर जब चाहते हैं तो वो तस्वीर जो है स्क्रीन पर दिखाई देती है, यानी अंदर तस्वीर मौजूद होती है, उसके बाद फिर स्क्रीन पर उसको दिखाया जाता है।
یہ پہلے ہمارا خیال تھا، کچھ تحقیقات جو اس وقت میں کی گئی اس کے لحاظ سے، لیکن اس کے بعد بھی اس مسئلے پر بعض اور علماء کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے میں مسلسل مطالعہ کرتا رہا، وقتاً فوقتاً جب بھی ایسی کوئی بات سامنے آتی تھی، تو اگرچہ میں ویڈیو لینے سے پرہیز قریب تک بھی کرتا رہا ہوں، لیکن مسلسل اس سلسلے میں جستجو اور مطالعہ جاری رہا، جو اس فن کے ماہرین ہیں اس فن کے ماہرین سے بھی اس سلسلے میں ان کی کتابیں وغیرہ دیکھنے کا برابر اتفاق ہوتا رہا، تو یہ سب سامنے آنے کے بعد جو صورتحال میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ویڈیو میں اندر بھی کوئی تصویر نہیں ہوتی، جب یہ لیا جاتا ہے تو تصویر لینے کے بعد وہ کچھ الیکٹرانیکل جو ہے حروف اور نقوش میں منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں، کوئی تصویر اندر نہیں رہتی، دور دور تک کہیں تصویر کا نام نہیں ہوتا، اگر کسی اور ذریعے سے بھی اس کو دیکھنا چاہے وہاں تصویر ہے تو کوئی تصویر اس کے اندر نہیں ہوتی، یہاں عکس لیا اور عکس لیتے ہی وہ جو ہے الیکٹرانک سگنلز میں تبدیل ہو گیا اور کچھ الفاظ اور حروف کے اندر تبدیل ہو گیا، پھر اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو وہ حروف اور الفاظ متشکل ہو کر نظر آنے لگتے ہیں، جو اسکرین پر نظر آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ بات ہے، تصویر پر جو اسکرین پر جو صورت نظر آتی ہے وہ تصویر نہیں ہے وہ عکس ہے، لیکن اندر تصویر ہوتی ہے یہ مجھے پہلے خیال تھا، اور چونکہ اندر تصویر ہوتی ہے اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے، بلکہ عام طور پر علماء یہی سمجھتے ہیں کہ اندر تصویر موجود ہے اس لیے ناجائز ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اندر بھی کوئی تصویر نہیں ہوتی بلکہ الیکٹرانک سگنلز ہوتے ہیں اور کچھ حروف اور نقوش کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک عکس بن کر سامنے آ جاتے ہیں، تو اندر بھی کوئی تصویر نہیں باہر بھی تصویر نہیں، اس لیے یہ عکس کے حکم میں ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ نے بھی بہت پہلے یہ لیا تھا، میں نے اس کے اوپر کچھ نوٹس بھی لکھے تھے جو میری کتاب ٹیلی ویژن کے اندر موجود ہے، تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ تحقیق سامنے آنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یہ عکس ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ عکس ہے تو سمجھتے ہیں جائز ہے، میں اس کا قائل نہیں، عکس مانتا ہوں لیکن ہر عکس کو جائز نہیں سمجھتا، اس کے حدود ہیں قیود ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے جواز و عدم جواز کی شکلیں کیا ہیں، واقعی اس کے لیے بہت ایک طویل بحث کی ضرورت ہے، اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں یا 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے، پہلے تو یہ تحقیق میں نے بیان کی ہے اور اس کے اندر میں نے جو اس فن کے ماہرین ہیں انگریزی نام ان کے حوالے دیے ہیں، دوسرے نمبر پر عرب علماء میں سے عرب سائنسدانوں میں سے جن لوگوں نے اس پر لکھا ہے ان کے حوالے پیش کیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جن علماء نے ان لوگوں کی تحریرات کو پڑھنے کے بعد اس کی پوری حقیقت کو سمجھ کر بیان کیا ہے، ایسے علماء کی تحریرات پیش کی ہیں، ان میں عرب علماء بھی ہیں اور جو ہے دوسرے عجم کے علماء بھی ہیں، دونوں قسم کے علماء کی تحریرات پیش کی ہیں یہ بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عکس ہے۔ اس میں دوسرا باب بہت اہم ہے اور اس کے اندر اس سوال کا جواب ہے جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ اس کے جواز و عدم جواز کی شکلیں کیا ہیں، کن صورتوں میں جائز کن صورتوں میں ناجائز، ہر عکس کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو میں نے پوری طرح اس کے اندر واضح کیا ہے اور ان حدود و قیود کو اس کے اندر بیان کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہی وہ رسالہ چھپ جائے گا، حالات چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے چل رہے تھے اور کرونا کی وجہ سے تمام ہی ہر طرح کے کاروبار بند تھے، کتابوں کے کاروبار بھی بند تھے اور پریس وغیرہ کا سلسلہ بھی بڑی بدنظمی کا شکار تھا، اس لیے جو ہے اس زمانے میں یہ چھاپنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لکھ تو دیا تھا بہت پہلے ہی، وہ رسالہ موجود ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو چھپوانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل میں نے بیان کی۔ جزاک اللہ، حضرت والا کے گلے میں تکلیف ہونے کے باوجود
गर्दन की शिकायत होने के बावजूद आप हजरात के सवालात बड़ी प्रशासन के साथ आपके सामने पेश किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मजलिस से हजरत को बड़ी फरहत और खुशी महसूस भी होगी। हम इसी की उम्मीद भी रखते हैं और मजीद आगे दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत को सेहत व आफियत अता फरमाए और आगे इंशाल्लाह 12 बजे हमारे शुमगा के ख़वातीन का जो मदरसा है इसराहुल बनात, वहाँ पर हजरत वाला का भी इंशाल्लाह खिताब होगा। मैं आप हजरात से आने वाले मेहमानों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि ठीक 12 बजे अपनी मस्तूरात को और अपनी माए बहनों को वक्त पर भेजने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत ही पुरमस्त खिताब होगा। और फिर मगरिब के बाद हर हजरात के लिए जी अमूमी इजलास रखा गया है मस्जिद अहमदिया इजलास नगर के अंदर, उसमें भी आप हजरात से और अपने दोस्त अहबाब को लाने की मैं खुलूस दरख्वास्त करता हूँ कि खुद भी आए और अपने दोस्त अहबाब को भी लाने की कोशिश करें। और तमाम आइमा और उलमा से मैं और हुक्मा देकराम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिद में जहर और असर में भी इंशाल्लाह जैसा कि जुम्मा में और दीगर फजर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलानात हुए हैं, तो लिहाजा मैं मजीद दरख्वास्त करता हूँ कि आज जहर और असर में भी मगरिब के बाद जो मस्जिद अहमदिया में प्रोग्राम रखा गया है वो भी ऐलान उसका भी ऐलान करें। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम प्रोग्राम्स को बख़ैर व आफियत पाए तक पहुँचाएँ और हजरत वाला को नजर बस से इबादत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत पर बिलखसूस हजरत उलमा व हुफ्फाज और आलिमीन मुअल्लिमात तमाम लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला का साया सादर कायम फरमाएँ और कायम फरमाएँ। आमीन। हमें हजरत वाला से हमारे साथ हजरत वाला की कुछ किताबें भी मौजूद हैं। किताबों के नाम ये है, वाकियात पढ़िए और इबरत लीजिए, रमजान और जदीद मसाइल, दिल की दुनिया आबाद कीजिए, इस्लामी असबाब, औरत की नमाज, इस्लामी मदारिस का निसाब और निज़ाम और निसाब, ये किताबें हमारे साथ हैं। इन किताबों के नामों से ही आप हजरात को अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि ये उलमा उफास की नशिस्त है और किताबें बाहर मौजूद हैं, लिहाजा जाते हुए आप हजरात मुफीद किताबों को लेते हुए जाइए और जो है अपने कुतुबखाने में भी रखिए, मुताला करें और लोगों को भी तरकीब दें। अब कुछ किताबें हमारे साथ हैं, मजीद किताबों की ज़रूरत हो तो मसीहतों से रब्ता किया जा सकता है, वहाँ फ़ोन नंबर भी आपको दिया जाएगा कि किससे रब्ता करना है, कैसे किताबें मंगवाना है। وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.